तो गाइस आप सभी को और एक स्पेशल वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल के हमारे इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो के टॉपिक के बारे में यहाँ पर बोल लेते हैं। यहाँ पर इस वीडियो का टॉपिक है ऑलरेडी इसके आगे वाले दो वीडियो में मैंने ऑलरेडी तीन टीमों के तीन कैप्टन यहाँ पर बोल देते। इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर तीन टीमों के तीन कैप्टन बोलने वाले, तीन टीमों यहाँ पर बोल देते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, जीटी गुजरात टाइटन्स और यहाँ पर एसआरएच मतलब सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन के नाम यहाँ पर आप लोगों को बोलने वाला है पर रोजने वाला। तो गाइस वीडियो जरूरी इंपॉर्टेंट है ये तीन टीमों के फैंस के लिए। वीडियो में जो अंत तक बने वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल नया ऐसी क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स से रिलेटेड अपडेट्स एनालिसिस पाना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक को प्रेस कर लीजिए। एक बार आपको क्रिकेट जैसे सब कुछ मिलती रहती है। तो गाइस यहां से वीडियो करते हैं आगे ज्यादा नहीं करके फटाक से भरोसे थे। यहाँ पर तीन टीमों के तीन कैप्टन के नाम बोलना है। यहाँ पर आप लोगों को पहले आते क्या कोलकाता नाइट राइडर्स भैया अभी कह रहा है काम के करते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन कौन के फैन से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी फैन हूँ, बड़ा फैन हूँ, बिग फैन हूँ। कौन कौन बिग फैन है भैया जरूर कॉमेंट करिएगा। यहाँ पर बोल देता है पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर कैप्टन होने वाला है वो है श्रेयस अय्यर। हाँ भैया बहुत लोग तो जान ही चुके हैं और नहीं जानते तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि इन्होंने जो है इनका फॉर्म बहुत ही आला चल रहा है, ये तो कैप्टन है ही है। और इनके फॉर्म में बारे में बात करें तो भैया बात बोलना ही नहीं है मुझे क्योंकि यहाँ पर एसएलके मतलब श्रीलंका तो यहाँ पर विपक्ष में यहाँ पर भारत जो खेली थी यहाँ पर ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। उनका कारण है कि भैया ये एक ऐसे लौते इंडियन प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पर तीन इनिंग्स में यहाँ पर तीन मैच के जो सीरीज हो रहा था वहां पर नाबाद रह के तीन ही इनिंग्स में यहाँ पर नाबाद रह के 204 रन जड़े हैं। क्या ही लाजवाब, तीन ही अर्धशतक से ऊपर स्कोर किया 50 प्लस स्कोर। तो भैया क्या ही परफॉर्मेंस, क्या ही फॉर्म है इनका। इस समय अगर आईपीएल हो जाता है तो भैया मुझे तो लगता है केकेआर के लिए बहुत ही बिग न्यूज आ रही है भैया। वेट कीजिए सबर का फल मीठा होता है। तो बस इसके बाद जल्दी से जल्दी आ जाते हैं टीम में। यहाँ पर जीटी गुजरात टाइटन्स सब तो जान चुके थे पर भैया डिसीजन थोड़ा मुझे लगता है चेंज करना चाहिए है क्योंकि भैया हार्दिक पांड्या यहाँ पर कैप्टन होने वाला है। हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पर यहाँ पर डिसीजन मुझे लगता है भैया पलटना चाहिए पर पलटेंगे नहीं मुझे लगता है। एक बार बोल दिया पर मुझे लगता है कि भैया इनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा क्योंकि भैया बॉलिंग प्लस बैटिंग क्योंकि ऑलराउंडर मुझे लगता है भैया इतना ज्यादा प्रेशर नहीं सह पाएंगे। अगर ये कैप्टन बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता इनको बॉलिंग देंगे, इनको सिर्फ बैटिंग ही देना चाहिए। अगर इनको कैप्टनसी से हटा दिया जाता है मुझे नहीं लगता हटा दिया अगर बाई चांस हो गया तो कई यहाँ पर ये ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते। तो गाइस लास्ट एंड फाइनल में से वीडियो को खत्म कर लेंगे। लास्ट एंड फाइनल में एसआरएच सनराइजर्स के बाद जानते होंगे, नहीं जानते तो बोल दे तो केन विलियमसन अब यहाँ केन विलियमसन न्यूजीलैंड यहाँ पर जादू। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर तीन मतलब तीन टीमों के तीन कैप्टन यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया है ऑलरेडी यही रहने वाला है जो मैंने बोला है यही रहने वाला है। देख लीजिएगा एकदम 100% दावा देके बोल रहा हूँ। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर जो बोलने आया था तीन टीमों के तीन कैप्टन बोल दिया। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था। वीडियो को थोड़ा सा अच्छा लगा तो फटाक से लगा दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लेकिन को प्रेस कर लिया है पर आपको क्रिकेट है कुछ आईपीएल कुछ मिलते रहते। तो गाइस आज के लिए इतना मिलता है, अगले वीडियो में तब तक ले जाइए। नमस्कार, जय भारत।